नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 4 के कार्यपत्रक 45 और 46, 45 और 46 के बारे में बातचीत करेंगे। अपन इससे पहले जो कार्यपत्रक कर रहे थे उनमें अपन ने मापन की समझ में लंबाइयों को एक इकाई से दूसरी इकाई में, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, और मीटर को मिलीमीटर में, या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, इन सब के बारे में बातचीत की तथा उनकी इकाइयों को जोड़ना भी देखा था। आज के इस कार्यपत्रक 45 और 46 में अपन बातचीत करेंगे अधिगम के क्षेत्र में, तो मापन की समझ है यानी कि लंबाइयों के बारे में ही बातचीत करेंगे, और दैनिक जीवन में लंबाई संबंधित प्रश्नों का गणितीय संक्रियाओं में उपयोग किस प्रकार से किया जाता है या उनकी गणितीय संक्रियाएँ किस प्रकार से पूर्ण होती, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए आज का दिनांक जो है वो मेंशन कर देते हैं। आज है एक मार्च 2021। अब बातचीत करते हैं अपन प्रश्न नंबर एक पर। हल कीजिए, प्रश्न नंबर एक है, इसमें अपने को क्या दे रखा है, 12 मीटर 24 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है 8 मीटर 14 सेंटीमीटर से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 में से 4 गया 0, यानी 24 में से 14 गए तो डायरेक्ट कितना बच गया, 10। ये 10 तो है सेंटीमीटर में, ठीक है। और 12 में से 8 मीटर चला गया, तो 12 में से 8 चला गया तो 4 मीटर। ये हो गया पहला प्रश्न, ठीक है। आगे चलिए दूसरे प्रश्न पर बातचीत करते हैं। पहले का दूसरा, 19 मीटर 83 सेंटीमीटर को 7 मीटर 42 सेंटीमीटर से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक है। चलते हैं, 83 में से डायरेक्ट 42 को माइनस करते हैं, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 4 गया 4। इधर आ जाइए, 19 में से 7 जाएगा या 9 में से 7 गया, तो 9 में से 7 गया तो 2 और ये 1, ऐसे कैसा, तो 12 मीटर और 41 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। इसी के थर्ड पर चलते हैं, फर्स्ट वाले के, 24 मीटर 81 सेंटीमीटर को 17 मीटर 30 सेंटीमीटर से सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में से 0 गया 1, 8 में से 3 गया 5। चलिए 24 में से 17 भेजेंगे, देखिए 7 डायरेक्ट दिख रहे हैं, या 14 में से 7 जाएंगे तो 7, 1 में से 1 0, ठीक है। तो 7 मीटर 51 सेंटीमीटर ये इसका आंसर बन जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ वाले में, 64 मीटर 38 सेंटीमीटर इसको 53 मीटर 84 सेंटीमीटर से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से अपन एक उधार लेते हैं क्योंकि 38 में से 84 नहीं जाएंगे, तो 138 में से, ठीक है, तो यहाँ 4 की जगह पे फिर 3 रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा, हाँ 138 में से 84 जाएंगे, तो कर लो इसको सोल्व कर लेते हैं। इधर 8 में से 4 गए 4, 3 में से 8 नहीं जाते तो 13 में से 8 जाएंगे, 13 में से 8 गया तो 5। अब देखो 3 में से 3 गया 0, 6 में से 5 गया 1 मीटर, 10 मीटर 54 सेंटीमीटर ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर बातचीत करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 2 पर बातचीत करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए घटाइए, 42 मीटर 57 सेंटीमीटर से 18 मीटर 47 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। घटा लेते हैं, 7 में से 7 गया 0, और देखो 57 में से 47, 57 सेंटीमीटर से 47 सेंटीमीटर को घटाना है, तो 10 सेंटीमीटर यहां से बच जाएगा, 57 में से 47 गए तो। अब 42 मीटर से 18 मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है, कितने, 42 में से 18 को, तो 2 में से 8 तो जाएंगे नहीं, 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 8 गया तो 4, और यहां पर 4 की जगह पर 3 रह जाएंगे, 3 में से 1 गया तो ये रह गए 2, तो 24 मीटर 10 सेंटीमीटर ये इसका ऑप्शन बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसी के सेकंड में चलते हैं अपन, 95 मीटर 84 सेंटीमीटर से 34 मीटर 63 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करने हैं, देखो 84 में से 63 माइनस करने हैं, हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 में से 1 गया, सॉरी 4 में से 3 गया 1, 8 में से 6 गया 2, इतना तो सेंटीमीटर बन गया अपने पास। अब देखो 95 में से 34 घटाना है, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 3 गया, इस 9 में से ये 3 जा रहा है, 9 में से 3 गया है तो 6, 61 मीटर और 21 सेंटीमीटर अपना आंसर बैठ जाता है यहाँ पर,
चलिए इसी के थर्ड पर चलते हैं। 105 मीटर 29 सेंटीमीटर में से 92 मीटर 36 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, देखो यहाँ 29 सेंटीमीटर है और यहाँ 36 सेंटीमीटर, तो अपने को आगे से एक लेना पड़ेगा, तो ये लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ 4 रह जाएगा, 104 रह जाएगा और यहाँ पर 129 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो 3, अब 2 में से 3 जाता नहीं तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, 93 सेंटीमीटर। 4 में से 2 गया है ना, 4 में से इस 4 में से ये 2 गया तो 2, अब 0 में से 9 नहीं जाते तो 10 में से 9 गया 1, 12 मीटर 93 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा इसका। चौथा 948 मीटर 83 सेंटीमीटर, 948 मीटर 83 सेंटीमीटर में से 536 मीटर 14 सेंटीमीटर, 83 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर घटाने हैं, घट जाएगा, 3 में से 4 जाता नहीं है तो 13 में से 4 जाएंगे, 13 में से 4 गया 9, और यहां पर अब 7 रह गए, 7 में से 1 गया 6, 69 सेंटीमीटर आ गया। अब आगे चलते हैं, 8 में से 6 गया, 8 में से 6 चला गया तो 2, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया तो 1, 9 में से 5 गया, ये 9 है यहाँ पर सैकड़ा वाला और यहाँ 5 है तो 4, 412 मीटर 69 सेंटीमीटर आंसर बन जाएगा अपना। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक 85 मीटर तार के दो टुकड़े किए गए जिसमें से एक तार के टुकड़े की लंबाई 42 मीटर है, 42 मीटर 75 सेंटीमीटर है, तो तार के दूसरे टुकड़े की लंबाई, ठीक है, तार के दूसरे टुकड़े की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है 85 मीटर, तो कुल लंबाई में से एक तार के टुकड़े की अपन लंबाई माइनस कर दें, घटा दें, ये कुल लंबाई है अपने पास 85 मीटर, 85 मीटर और कितना सेंटीमीटर, 00 सेंटीमीटर, ये कुल लंबाई है। इसमें से अपन एक तार के टुकड़े की लंबाई है 42 मीटर 75 सेंटीमीटर, इसको अपन घटा देते हैं, घटाएंगे तो दूसरे टुकड़े की लंबाई आ जाएगी। चलिए देखो यहाँ पे 00 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर को माइनस करना है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे आगे से एक उदाहरण ले लेते हैं, तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पर ये 4 रह जाएगा, 84 रह जाएगा है, 100 सेंटीमीटर में से 75 सेंटीमीटर को माइनस किया तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर बच जाएगा, और 84 सेंटीमीटर है ना, 4 में से 2 गया तो 2, और 8 में से 4 गया तो 4, 42 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, 42 मीटर है ना, 42 मीटर 25 सेंटीमीटर दूसरे तार के टुकड़े, ये दूसरे तार का टुकड़े की लंबाई आ गई है, क्या है दूसरे तार के टुकड़े की लंबाई, 42 मीटर 25 सेंटीमीटर उस दूसरे तार के टुकड़े की लंबाई है। थोड़ा सा इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता के पास 98 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबाई का एक फीता है, इसमें से उसने 80 मीटर 30 सेंटीमीटर फीता रीना को दे दिया, तो बताइए अब सीता के पास कितना बचा, ठीक है, सीता के पास कितना फीता शेष रह गया, ये अपने को क्या करना है, निकालना है। तो सीता के पास कुल कितना था, 98 मीटर और 80 सेंटीमीटर उसके पास कुल था, इस कुल में से उसने 80 मीटर 30 सेंटीमीटर का टुकड़ा उसने रीना को दे दिया, अब सीता के पास कितना बचा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दोनों को घटा लेते हैं, तो उसके पास जो बचा है अब सीता के पास वो आ जाएगा, 80 में से 30 निकालना है सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर में से 30 सेंटीमीटर को माइनस करें तो 50 सेंटीमीटर बच जाएंगे। अब आगे चलो, 98 8 में से 0 गया, 8 में से 0 गया तो 8 ही बचेंगे, 9 में से 8 गया तो एक 18 मीटर 50 सेंटीमीटर जो है सीता के पास फीता शेष रह जाएगा, फीते की लंबाई कितनी रह जाएगी, जो बचा हुआ शेष 18 मीटर 50 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर पर चलते हैं अपन। राम जनरल स्टोर में रुचि के घर की दूरी, राम जनरल स्टोर से, अच्छा जनरल स्टोर की दुकान है, राम जनरल स्टोर नाम से एक दुकान है, वहां से रुचि के घर की दूरी,
ये रुचि का घर है। इसकी दूरी कितनी दे रखी है, 945 मीटर उसकी दूरी है। रुचि ने 405 मीटर दूरी खुद तय कर ली। तो अब शेष तय की जाने वाली दूरी बताइए, ठीक है। जनरल स्टोर का नाम क्या है, राम जनरल स्टोर ने रुचि के घर से राम जनरल स्टोर की दूरी 945 मीटर है, यानी कुल दूरी तो आ गई 945 मीटर। अब इस 945 में से रुचि ने 405 मीटर की दूरी जो है पहले ही तय कर ली, तो अब कितनी दूरी और तय करनी बाकी है, या अब कितनी दूरी और है, ठीक है। तो दोनों को माइनस कर लीजिए, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 9 में से 4 गया 5। तो अगर रुचि जो है वो 540 मीटर और चल जावे तो वो कहाँ पहुँच जाएगी, राम जनरल स्टोर पर पहुँच जाएगी, क्योंकि पहले ही 405 मीटर वो चल चुकी है। 540 मीटर और चल जाएगी तो कुल दूरी 945 मीटर की वह पार कर जाएगी, ठीक है, और वह राम जनरल स्टोर पहुँच जाएगी। आगे चलिए, मोहन ने, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर वाला, 5 तक कंप्लीट हो गए हैं। मोहन ने फुटबॉल मैदान में 482 मीटर की एक लाइन खींची, कितनी है लाइन, कितनी है 482 मीटर की लाइन है, ठीक है। उसने उसमें से 212 मीटर और 14 सेंटीमीटर की लाइन साफ हो गई है, अब कितनी दूरी की लाइन शेष बची है, साफ करना शेष बची है। तो कुल दूरी कितनी थी, 482 मीटर और 00 सेंटीमीटर, इतनी तो कुल दूरी थी पहले, ठीक है। उसमें से उस लाइन खींची, इतनी लंबी तो लाइन थी, उसमें से 212 मीटर और 14 सेंटीमीटर जो है उसने उस लाइन को, या जो उसने लाइन खींची उसकी सफाई कर दी है, तो अब कितनी लाइन शेष बची है जिसकी सफाई करनी बाकी है, ठीक है, जिसकी साफ करनी बाकी है। तो यहाँ देखो, 00 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर तो निकलेंगे नहीं, आगे से एक ले लेते हैं अपन उधार, तो यहाँ पर तो रह जाएंगे 481 और ये हो जाएंगे 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर को माइनस करो तो कितने बच जाएंगे, 86 सेंटीमीटर। 100 में से 14 को माइनस करेंगे तो 86 बच जाएंगे, 86 सेंटीमीटर। आगे चलिए, अब 481 सेंटीमीटर में से 481 में से 212 को सब्ट्रैक्ट करें अपन, ठीक है। एक में से दो जाते नहीं है तो आगे से फिर से एक और उधार लेंगे तो ये हो जाएंगे 11 और यहाँ रह जाएंगे 7, ठीक है। 11 में से 2 गया तो यहाँ बच जाएगा 9, 11 में से 2 गया तो क्या बच जाएगा, 9, 7 में से 1 गया तो यहाँ बच जाएगा 6, और 4 में से 2 गया तो 2। 269 मीटर और 86 सेंटीमीटर की दूरी जो है अभी तक की लंबाई की जो लाइन है उसकी सफाई करना बाकी रह रही है। ये अपना कार्यपत्रक 45 कंप्लीट हुआ। कार्यपत्रक 46 की तरफ बढ़ते हैं अपन, कार्यपत्रक 46 मैं से थोड़ा सेट कर लेता हूँ, कार्यपत्रक 46 को फिर से दिनांक लगा देते हैं आज का। कार्यपत्रक 46 पे आज 1 मार्च 2021 है। चलो, मापन की समझ, फिर से दैनिक जीवन की लंबाई संबंधित प्रश्नों की गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना, गुणा करना है अपने को। अब क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है, गुणा के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए, इस वीडियो को अपन अलग से ले लेते हैं, इस वीडियो को अलग से ले लेते हैं ताकि गुणा की संक्रिया पूरी सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो कार्यपत्रक 45 को वहीं पर समाप्त करते हैं, कार्यपत्रक 45 की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें अपन ने घटाने की, लंबाइयों को घटाने के बारे में बातचीत की थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।